नमस्कार, मैं सूरज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं BKC में, जहां पर एक होटल है स्वाति करके, जहां पर जो पिछले एक महीने से जो है लगातार जो है पर जो ड्रामे थे वो अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में ही जो है अजीत पवार जो मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण किया था, उन्होंने जो है अपने शपथ से इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद जो है ठीक उनके बाद ही जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है 3:30 बजे करीब उन्होंने भी अपनी शपथ जो है जो ग्रहण किया था। CM जो बने थे वो जो है उन्होंने अपनी शपथ जो है से इस्तीफा दे दिया है। और दरअसल जिस वक्त CM देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद अजीत पवार दोनों साथ में शपथ लिए, उसके बाद से राजनीति में जो है घमासान मच गया था। और यहाँ तक NCP के शरद पवार और जो है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं और जो है कांग्रेस के, ये तीनों लोग जो है मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रोटेस्ट स्पीकर से जो है फ्लोर करने के लिए बात की थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो CM देवेंद्र फडणवीस हैं वो इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ है, उन्हें ये डर सताया हुआ था, क्योंकि उनके पास जो है 105 विधायक हैं। उसके बाद जो है उनके पास जो है वो जो दावा कर रहे थे 172 की, तो कहीं ना कहीं उनके पास नहीं था। और 3:30 बजे करीब देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है और जिसके पास बहुमत है वो बनाए। और उन्होंने जो है कहा कि हम जो है अपक्ष में रहेंगे, हम विरोधी का काम करेंगे, हम अपक्ष में रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो है अलग अलग विधायक जो है NCP के, कांग्रेस के और शिवसेना के, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होटलों में थे जो है, वहाँ पर उन्हें रखा गया था। और जो है आज यहाँ पर देख लीजिए आप हमारे पिछले, देखेंगे ये इमारत है, जो होटल है ये सॉफ्टील करके जो ये होटल है ये BKC में है। यहाँ पर जो है सब बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर सब मौजूद आ रहे हैं जो है, और ये कल की तैयारियाँ यहीं से करेंगे। यहाँ पर शरद पवार भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे जो है वो किस तरह से लोग यहाँ पर सारे विधायक एक एक करके जमा हो रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं मेरे इस तरफ, आप देख लीजिए ये बस खड़ी है, जो विधायकों की बस है वो बस खड़ी है जो है। अभी एक बात और सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर। 6 नेता हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने का फैसला सुनाया 27 नवंबर शाम 5 बजे, यानी कल के दिन 5 बजे जो है फैसला आएगा। और कहीं ना कहीं आज ही देखा जा रहा है कि जिस तरह से NCP शिवसेना में जो है जो खुशी की लहर देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसा ही आया हर नेताओं में, यानी 3 जो मतलब NCP शिवसेना कांग्रेस के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जो है हलचल मच गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो है शपथ ग्रहण करेंगे और जो है कल तीनों मतलब मिलकर सरकार बनाएंगे। एक बात और हम आपको बता दें, जिस तरह से जो है BJP लगातार जो है दावे कर रही थी हमारे पास 172 बहुमत है, हमारे पास 172 विधायक है, तो अगर उनके पास 172 विधायक है तो फिर क्यों जो है इस्तीफा दिया? अगर उनके पास 172 जो है विधायक है BJP के पास, तो फिर क्यों उन्होंने जो है इस्तीफा दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों में। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आज जो अब जो जीत दिखाई दे रही है, यानी कल जो होने वाली है वो आज ही लोग जो है जीत का जश्न जो है मनाने जैसा लग, आज ही लोगों के मन में, आज ही लोगों के दिलों में एक उबाल सा पैदा हो गया है, पूरी है या क्या है जो आज उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। और उसके पहले अजीत दादा पवार ने भी इस्तीफा दिया था। कल जो है 5 बजे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सारे विधायकों का जो है फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, तो कल जो है फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सारे जो लोग यहीं पर हैं, चाहे वो NCP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, सभी लोग इसी स्थान पर आए हैं, आज यहाँ पर ही ठहरेंगे। पिछले कुछ दिनों से सब अलग अलग तो थे हर जगह पर, मतलब अलग अलग होटलों में थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज जो सब एक हो गए, आज यहाँ पर हैं। फिलहाल में जिस तरह से महाराष्ट्र का सियासी जो उछाल था, खींचातानी थी, वो अब जो है कहीं ना कहीं थम सी गई है, अब थम गई है, एक
एक जगह हो गई है, क्योंकि अब ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ही बन पाएगी, क्योंकि उनके पास जो है बहुमत 162 है और जो वादा कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे बीजेपी सरकार, परमवीर अजीत पवार, वो कहीं ना कहीं अब वो जो है इस्तीफा से ही समझ में आ गया कि आखिर में उनके पास बहुमत नहीं है। एक बात और हम आपको बता दें कि आज दोपहर में जो है रामदास कदम का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा अजीत पवार पर हमें भरोसा है, अजीत पवार के जो है जितने भी संपर्क में विधायक हैं वो ज़रूर आएंगे, वो उनके चाहने वाले आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामदास अठावले अभी भी अड़े हुए हैं कि शायद उनकी सरकार बने, लेकिन अगर उनकी सरकार बनेगी, कल तक तो दावा था उनका कि 172 है हमारे पास, लेकिन आज जो अजीत पवार और फडणवीस जो इस्तीफा दिए हैं इससे साफ हो गया है कि उनके पास बहुमत नहीं है। और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, दबाव में दे रहे हैं या किस वजह से दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर साफ हो गया कि वो अब जो है विपक्ष में रहेंगे। हालांकि उन्होंने भी कहा विपक्ष में रहेंगे। फिलहाल अंधेरा हो रहा है और कुछ साफ साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त जहां पर कहें तो पुलिस का बंदोबस्त भारी है, भारी तादाद में है। और ये बस जिसमें विधायक लोग कुछ लोग इसमें आए, कुछ लोग अपने पर्सनल गाड़ी से आए, यानी कुल मिलाकर जो है तीनों मतलब जो राजनीतिक के तीनों जो है खिलाड़ी यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं, एक एक करके आ रहे हैं और तीनों जो है दल के नेता विधायक 162 विधायक थे यहाँ पर इसी इमारत में, इसी होटल में जो है मौजूद हैं। हम आपको आगे से भी दिखाएंगे, आप आगे से भी देखिए कि कितने लोग लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा प्रोटम स्पीकर, इसमें भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला सुनाया, 27 नवम्बर शाम 5 बजे तक जो है कराया जाएगा फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को महाराष्ट्र मामले पर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला सुना दिया है। फ्लोर टेस्ट कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक कराया जाना है। खास बात है कि प्रोटेम स्पीकर ही सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर फ्लोर टेस्ट भी कराएंगे। प्रोटेम स्पीकर को सभी पार्टियां अपने व्हिप की जानकारी भी देंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा। परंपरा के अनुसार सदन में वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सबसे अधिक बार जो चुनकर आए विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोटेम स्पीकर बनाने में परंपरा को फॉलो किया जाएगा या नहीं। यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर काफ़ी जो है खुशी की लहर देखी जा रही है, लोगों के विधायक को जो है लोग स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर जो है, और काफ़ी जो है एकदम खुशी दिलों में है लोगों के, कार्यकर्ताओं के। यहाँ पर देखिए अजीत दादा भी लव यू जो है लिख कर ये पोस्टर बनाए हुए हैं। क्या लगता है अजीत दादा आ रहे हैं? अजीत दादा खुशी से हमें यहाँ पे आने वाले हैं। कैसे आपको मालूम अजीत दादा आने वाले? पता पड़ा है कि अजीत दादा पवार साहब, इसलिए हम जो अजीत दादा के ऊपर हमारा प्रेम है, इसलिए हम यहाँ आके उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए इससे बड़ी बहुत हमारी बात है, इस बार महाराष्ट्र में डबल दिवाली मनाने की, कारण एक महीना पहले हम बना चुके हैं, इसलिए हम दोबारा दिवाली मनाना चाहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता अजीत दादा से बहुत प्रेम करने वाला कार्यकर्ता। जैसा कि मैं जो है लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों के ये रास्ता है जिससे आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, और उनका समर्थन जो है लोग उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अभी इस वक्त इस जगह पर जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो पहुँच चुके हैं, और कांग्रेस के जो है लीडर और जो है एनसीपी के जो शरद पवार हैं वो अभी कुछ ही टाइम में यहाँ पर पहुँचेंगे। हालाँकि जो है विधायक जैसा अबू आसिम आजमी, संजय राउत, ऐसे कई अन्य जो है लोग जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ऊपर जो है मीटिंग किया जा रहा है, आज मीटिंग किया जाएगा, बैठक जिस तरह से बताई गई है यहाँ पर, इस बैठक में क्या फैसला होता है, कल कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, कौन शपथ ग्रहण करेगा, इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। उसके बाद जो है कल ये साफ हो जाएगा। वह आज ही दिखाई दे रही है, लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो झूम रहे हैं। अजीत पवार जो है उनका जो है पोस्टर भी जो है लोगों ने जो है उनके जो दीवाने हैं जो कार्यकर्ता है वो पोस्टर भी लगाए थे यहाँ पर, जो अजीत पवार आई लव यू, क्योंकि वो जिस तरह से देखा जा रहा है लोगों की जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये भी आ रही है अजीत पवार भी यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर शरद पवार का जो नारा लग रहे हैं कि शरद पवार एक बड़ा नेता है।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।